स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हमारे पूछ की छतेड़ियों के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण हमको ये छतरियों का वीडियो दो भाग में करना पड़ा। आज हम जो छतरी बताएंगे वो राव लाखाजी की छतरी है। वो सबसे बड़ी और सुंदर छतरी बनाई गई है। ये 18वीं सदी की बनी, बहुत ही बेहतरीन राजपूताना और मुगल शैली को मिश्रित करती हुई ये छतरी बहुत ही सुंदर तरीके से इस छतरी का निर्माण किया गया है। चारों ओर से दीवारों पर जो मूर्तियां और नक्काशी की गई है बहुत ही सुंदर ये छतरी, और यहाँ जो एरिया में जो भी सबसे बड़ी छतरी है वो ये राव लखा की छतरी है। ये मूल रूप से कच्छ के योद्धा राजपूत शासकों के जीवन को समर्पित स्मारक है। भुज में छतरियों का निर्माण 18वीं शताब्दी में जाडेजा शासक राव लखपत जी द्वारा किया गया था। इन स्मारकों की संरचना राजपूताना और मुगल स्थापत्य शैली का एक अनूठा मिश्रण है। छत्र के आकार की ये गुंबज संरचना है, लाल बलुआ पत्थर से बारीक नक्काशी के नमूने हैं। लगभग सभी छतरियों में की संरचना में घुमावदार रेखाएं, गुंबज और मेहराब है। बाहरी दीवारों पर भारी अलंकृत जो संरचनाएं बनाई गई है वो बाहरी दीवारों पर देखने को मिलती है। भारी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां, स्थानीय विश्व पूजा में शिकार के दृश्य और जोड़ों को चित्रित करने वाले पैनल बने हुए हैं। इसके अलावा इन संरचनाओं की वास्तुकला एक मजबूत प्रभाव दिखाती है। 2001 के भूकंप में ये स्मारक खंडर हो चुके थे, लेकिन लखपत जी की रायदन जी द्वितीय और देसर जी के स्मारक अभी भी काफी बरकरार है। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे उत्कृष्ट राव लखा की छतरी है। रामसी मालम द्वारा डिजाइन किया गया यह बालकनियों के साथ आकार में बहुभुज और एक नीले रंग का गुंबज है जिसमें गहनों का काम है जो तुर्की वास्तुकला से काफी प्रभावित है। इसमें दो प्रवेश द्वार वाली दो दीर्घाएं हैं। उनकी छतरी के पत्थर में चित्रण से पता चलता है कि उनकी 15 पत्नियों ने उनकी अंतिम संस्कार की चिता पर अपने प्राण त्याग किए थे। छतरियों के अंदर जो पिलर के साथ जो मूर्तियां बनी हुई है बहुत ही सुंदर मूर्तियां, और जो गलियारा बना हुआ है और बीच में जो सिलाई रखी है उसमें भी ये सब देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मूर्ति है। काफी कुछ टूट चुकी है,
ये जो नीचे म्यूजिक बजाते बांसुरी बजाते, यहाँ पर जो तबला और ऐसे ही काफी मूर्तियां है यहाँ पर जो संगीत संगीत को दिखाती है, संगीत ये ऐसे जो बांसुरी बजाते हुए नीचे और ऐसे ही अंदर की जो लाइन है वहां पर भी ऐसी बड़ी मूर्तियां बनी हुई है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं उसमें राव लखा जी और उनकी 15 पत्नियां जो उनके साथ सती हो गई थी वो दर्शाया गया है। और उनके आजू बाजू के हर पिलर में जो मूर्तियां बनी है वो भी बहुत ही खूबसूरत देखने लायक मूर्तियां है। और ये जो छतरी बनी है उसके दो द्वार है, एक आगे से और एक पीछे से, इस तरह से दो द्वार वाला ये आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। ये जो आप पूरा व्यू देख रहे हो जो खंडर हालत में पड़ा हुआ है उसमें कुछ छतरियां तो काफी बड़ी है और उसके जो पत्थर टूटे हुए यहीं पर रखे हुए इसको शायद फिर से जोड़ के वापिस यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको फिर से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये सब छत्रियां बनाने का काम 18वीं सदी में ये शुरू हुआ था और राव लखपत जी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर बाद में उनके शासकों उनके वंशजों द्वारा ये कार्य आगे बढ़ाया गया था। ये जो हम दिखा रहे राव लखा जी की छतरी ये सबसे बड़ी छतरी और बहुत ही सुंदर छतरी कही जा सकती है। ये बाहर की दीवारों पर जो सुंदर मूर्तियां आपको नजर आ रही होगी और जब ये कंप्लीट होगी हो गई ये खंडर नहीं होगी पूरी होगी तब ये कितनी सुंदर दिख रही होगी। और ये छतरियों का बनाने का कारण यही था कि जो राजा था उनका इतिहास इसके द्वारा वर्णन किया जाए, उनकी उपलब्धियां इन छतरियों द्वारा वर्णित की जाती है। ऐसी छतरी जैसलमेर और राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। ये चारों तरफ जो इन छतरियों का जो मलबा पड़ा हुआ है ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये इसका नजारा है ये छतरियों का। अगर आप कच्छ भुज की मुलाकात ले रहे हो तो ये छतरियां देखना मत भूलिएगा। भुज के पास ही जो हमीरसर लेक है वहां के बाजू में ही ये छतरियां जो भुजे छतेड़ी के नाम से जानी जाती है, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में छतेड़ी के नाम से जाने जाता है।
ऐसी काफी छतरियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कुछ अच्छी हालत में और काफी कुछ टूट चुकी है। आप लेकिन जो वास्तुकला का उत्तम नमूना आपको इस छतरियों की जगह द्वारा आपको देखने को मिलेगा, जो गुजरात कच्छ का वास्तु स्थापत्य इन छतरियों में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर हमारी वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।